आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पहला मोटो होता है पैसे, आप कुछ सेविंग कर सके। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जानना काफी जरूरी हो जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मुझसे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि हम फ्रेशर हैं तो हमको दुबई में कितनी सैलरी मिल जाएगी। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस मुझे काफी सारे लोगों ने किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इट्स डिपेंड ऑन आप कौन से फील्ड से हैं, वेदर ऑफ यू आर फ्रॉम हेल्थ केयर फील्ड या फिर आप इंजीनियरिंग साइड से हैं या आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, तो हम उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि काफी सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, जो भी उनकी क्वेरीज होती हैं मैं पूरी ट्राई करती हूँ उनका रिप्लाई करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ कमेंट में भी मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि फ्राइडे को एक प्रॉपर वीडियो बना के जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी ईजी होगा और मेरा वर्क लाइफ बैलेंस और जो ये यूट्यूब है वो भी मेरे लिए बैलेंस हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मैं Q&A रखती हूँ, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखती हूँ, तो वहां पे मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को कितनी सैलरी मिलती है। तो अगर आप बीएससी हैं, बीकॉम है या बीए हैं और फ्रेश हैं, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन कहीं भी काम करने के लिए आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तो आपकी जो सैलरी है, या बी फॉर्म है तो इधर आप बीएससी, बीकॉम, बीए या बी फॉर्म है, तो स्टार्टिंग सैलरी 3K AED तक ही मिलती है। दिस इज द एवरेज। कई कई जगह पे जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इट्स डिपेंड ऑन आप कैसे बार्गेन करते हैं, इवन कई कई जगह पे इससे भी कम लोगों को 2000 AED भी मिलते हैं। बट अगर आप अच्छे से बार्गेन करते हैं, किसी अच्छी जगह ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सुपर मार्केट में पहले ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे अगर आप अच्छी ब्रांडेड सुपर मार्केट में ज्वाइन करते हैं तो आपको आराम से 3000 AED तक मिल जाता है। ये जो सैलरी है ये बैचलर्स के लिए ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई फ्रेशर है, फ्रेश पास आउट है, तो जनरली जैसे कि मुझे इंडिया का पता है तो 21 या 22 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम पे बैचलर्स ही होते हैं, तो 3000 AED में आराम से उनका काम चल जाता है। लेकिन फैमिली के साथ अगर कोई शिफ्ट होना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि हमें इंडिया में इतना एक्सपीरियंस है और हम दुबई में शिफ्ट होना चाहते हैं, दुबई में काम करना चाहते हैं, हम एज अ फ्रेशर भी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 3000 AED में फैमिली के साथ यहाँ पे सरवाइव करना मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल है। तो जैसे अगर आप 3000 AED आपको मिलते हैं, आप बैचलर हैं, आप बेड स्पेस में रहते हैं, 600-700 में आपको बेड स्पेस मिल जाता है, ये कई लोग विला में रूम ले लेते हो, वहां पे 2500 या 3000 AED तक रूम मिल जाते हैं, उसमें तीन चार लोग शेयरिंग कर लेते हैं, तो वो उनके लिए सही रहता है फॉर बैचलर्स। तो ये बात हो गई कि फ्रेश ग्रेजुएट जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप कहीं भी काम करें। तो फार्मासिस्ट के लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसका की लिंक आप आई बटन में देख सकते हैं। तो फार्मासिस्ट लाइक अगर बी फॉर्म है तो ठीक है, आपको अप टू 3K AED मिल जाता है, चाहे आप फार्मेसी में काम कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो। लेकिन जो डी फार्मा है उनके लिए सैलरी जो है वो थोड़ी कम होती है, उसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। अगर दुबई में आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल में आना चाहते हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगी कि इंडिया से आप अप्लाई करें लाइसेंस के लिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप इंडिया से लाइसेंस के लिए आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आपका एलिजिबिलिटी लेटर भी आपको मिल जाता है, तो बेटर आप लाइसेंस लेके आए क्योंकि उसमें सैलरी में काफी डिफरेंस आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इंजीनियर्स की, लाइक जो IT प्रोफेशनल है या सिविल इंजीनियर्स हैं, तो हाँ कंपेरेटिवली इन सब की उनको थोड़ी ज्यादा सैलरी मिलती है। अगर आप इंडिया में देख, मैं इंडिया के एग्जाम्पल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे इंडिया का पता है, तो वहां भी अगर कोई इंजीनियर है, कोई भी चाहे IT हो या सिविल हो या मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, उनकी सैलरी ऑब्वियसली कंपेयर टू फार्मा काफी ज्यादा होती है। उनकी स्टार्टिंग सैलरी 25K+ होती है जहां तक मुझे पता है। अगर आपका कॉलेज से प्लेसमेंट होता है या आप किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको इन हैंड सैलरी 25,000 के अवर मिल जाती है,
लेकिन फार्मा ग्रेजुएट को उतनी नहीं मिलती है। इवन बीच में गवर्नमेंट ने कुछ सैलरी स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन किए थे, कुछ रूल्स आए थे, तो वहाँ पे फार्मा के लिए सैलरी काफी हद तक सही हो गई है, लेकिन कंपेयर टू इंजीनियर्स अभी भी कम है। तो ये हो गई सैलरी की बात। और जो एक्सपेंसेस है, लाइक आप अकेले शिफ्ट हो रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया, अगर आप फ्रेशर है, आप अनमैरिड हैं, तो और या फिर आपके फैमिली हैं और फैमिली में है तो आप सिर्फ कपल हैं या आपके बच्चे हैं, तो इन सब पे डिपेंड करता है एक्सपेंसेस। उसके बारे में ऑलरेडी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। तो ये था एक टॉपिक, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री जाके काम करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली पहला मोटो होता है पैसे, आप कुछ सेविंग कर सकें। तो यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस जानना काफी जरूरी हो जाता है कि अगर आप बाहर जाके अपनी फैमिली से दूर जाके कहीं काम कर रहे हैं तो आप कितना सेव कर सकते हैं। एज पर UAE लेबर लॉ, पब्लिक कंपनी जो होती है वो आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दे देती हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो सैलरी का है वो कट कर लेती हैं कहीं कहीं पे। लाइक अगर फार्मा का एग्जाम्पल लूँ तो आपका 3000 AED से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिल जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है फ्रॉम द कंपनी एकोमोडेशन से कंपनी तक का ट्रांसपोर्टेशन आपको फ्री मिल जाता है। तो बैचलर्स के लिए जो 3000 भी है वो काफी अच्छी सैलरी है, मैं तो कहूंगी कि उसमें आप काफी सेविंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपका खाने का और घूमने का एक्सपेंसेस जोड़े तो आपका आराम से 500 dirham में या 500 AED में आपका काम चल जाता है, और आप 2.5 AED तक सेव कर सकते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 50,000 rupees, और 50,000 rupees इंडिया के हिसाब से काफी मोटी रकम होती है। लेकिन जहां पे आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता है, तो जो आपके खर्चे होते हैं रहने के, अगर आप बेड स्पेस में भी रहते हैं तो 600-700 पकड़ के चल सकते हैं। आपको मोबाइल खर्चा होता है, खाने का खर्चा होता है, आप कहीं घूमने जाते हैं उसके खर्चे होते हैं, तो 1200 से लेकर 1500 तक खर्चे हो जाते हैं। लाइक पार्टी करना है, बर्थडे पार्टी करना है, कुछ ना कुछ ओकेजन आते रहते हैं, और वीकेंड में घूमने जाना है, तो यहाँ पे 1200 से लेकर 1500 तक खर्च हो जाता है। तो आप वहां पे मान लीजिए 1500 सेव कर लेते हैं, जो कि इंडियन रुपीज में होते हैं 30,000 rupees। तो 30,000 rupees अगर आप सेविंग कर लेते हैं, आप फ्रेशर है, आप बैचलर हैं, तो इट्स नॉट बैड, मैं बोलूंगी। हाँ, लेकिन अगर आपकी फैमिली है, आप मैरिड है और फैमिली से दूर रह के इतना अमाउंट अगर आप सेव कर रहे हैं, तो बेटर आप फैमिली के साथ रहिए। इट्स माय सजेशन ओनली। फैमिली के साथ रह के आप थोड़ा कम भी सेव करते हैं तो मेरे हिसाब से वो बेटर है, लेकिन फॉर बैचलर ऑफ कोर्स दिस इज वेरी गुड। तो ये था टॉपिक जो काफी लोगों ने मुझे कमेंट किया था। और इसके अलावा इंक्रीमेंट, अगर आप मान लीजिए 3000 में ज्वाइन करते हैं, फिर आप सोचे कि इंक्रीमेंट तो मिलेगा ही हर एक साल, जैसे कि इंडिया में होता है एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलता है, तो वैसा यहाँ पे जितना मुझे पता है कि नहीं है। मान लीजिए आपका वीजा है 2 साल का या 3 साल का, तो मोस्टली कंपनी 2 या 3 साल बाद ही इंक्रीमेंट देती हैं जब आपका वीजा रिन्यू होता है। इवन मेरी कंपनी में ही काफी सारे लोग हैं जो कि 5-5, 6-6 साल से सेम सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच के आए कि 3000 तो मिल रहा है प्लस एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ऐसा थोड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन आपका काम काफी अच्छा है, एक्सलेंट परफॉर्मेंस है, तो आप अपने मैनेजर से बात करके इंक्रीमेंट ऑफ कोर्स ले सकते हैं। ये तो बात होगी फ्रेशर्स की। उसके अलावा जो लोग मैरिड है, तो काफी सारे लोग यहाँ पे रहते हैं आके, और उनकी जो फैमिली होती है, जो वाइफ या बच्चे हैं, वो इंडिया में होते हैं। ये भी एक वे है जो लोग थोड़ा पैसे सेविंग करना चाहते हैं ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ देयर लाइफ। बट ये वाला ऑप्शन मुझे थोड़ा सा टफ लगता है कि आप यहाँ आके रहे फैमिली से, बच्चों से दूर। जैसा कि मैंने बोला कि बैचलर्स के लिए दिस इज वेरी गुड ऑप्शन, आप यहाँ आइए, 3-4 साल काम करिए और थोड़ा सा पैसे सेव कर सकते हैं, थोड़ा पैसे सिक्योर कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए। और जब आपके पास थोड़ी सेविंग होती है तो आप आगे कुछ और प्लान कर सकते हैं। आजकल काफी सारे बिजनेस आइडियाज मिलते हैं, तो वो आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होप सो सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट अपडेट। दिस इज कम्प्लीटली फ्री।
क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जॉब ओपनिंग्स जो आती है उसका अपडेट मैं यहाँ पे देती हूँ। तो अगर आप दुबई में जॉब सर्च कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।